बिग बॉस के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का हो गया आज निधन। हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला ने 40 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया अलविदा। सिद्धार्थ शुक्ला, जिनके करियर की अब शुरुआत हुई थी, आसमान की बुलंदियों को छूते नजर आ रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री सदमे में। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुशांत सिंह राजपूत को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था, वही सिद्धार्थ शुक्ला के निधन भी कूपर हॉस्पिटल में हुआ, जिसका खुलासा सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद हुआ। कूपर हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं हमारी रिपोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। फेमस एक्टर और बिग बॉस विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का आज निधन हो गया। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की जानकारी दी। खबरों की माने तो 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन उसके बाद वो सुबह उठ ही नहीं पाए। सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कई सारी अचीवमेंट यहां पर हासिल की थी। 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी मां को अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहा। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह से जाने से सभी को काफी बड़ा झटका लगा है, और सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद सभी काफी ज्यादा हैरान है। कूपर हॉस्पिटल की पीटीआई टीम की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि उनका निधन हो चुका है और कूपर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया था जब वो नहीं उठे थे, और यहाँ पर कूपर हॉस्पिटल ने ही इस बात की जानकारी दी थी कि उनका निधन हो गया है, जहाँ से उनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी सामने आई है। नेक्स्ट टाइम लाइव से रजनी की रिपोर्ट।